फ्रेंड्स, आज हम सैमसंग स्मार्ट अवन में पॉकेट पिज्जा बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी तरीके से बनता है। तो फ्रेंड्स, हम आइए फ्रेंड्स इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मैंने पिज्जा बेस लिया हुआ है, पिज्जा बेस है ये हमारा। चीज लिया है मैंने, ये प्रोसेस चीज है अमूल का। बटर मैंने वेजिटेबल्स के अंदर में लिया है, शिमला मिर्ची, गाजर, पनीर लिए है मैंने, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं, टमाटर और प्याज। और स्पाइसेस के अंदर में हमने लिया है काली मिर्ची, तिली और ओरिगैनो और नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद हमने सॉसेस के अंदर लिया है शेजवान की चटनी एंड टमाटो सॉस। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर में डालेंगे हमारी ये सारी वेजिटेबल्स के अंदर में हम डालेंगे हमारा ओरिगैनो। हम इसमें थोड़ा सा ओरिगैनो डाल रहे हैं। ओरिगैनो के बाद इसके अंदर में हम ब्लैक पेपर डालेंगे। ब्लैक पेपर के बाद इसके अंदर में हम डालेंगे चीज। ये देखिए, हमने पूरा अच्छे से चीज ग्रेट कर दिया। अब इसके बाद इसके अंदर में हम डालेंगे शेजवान चटनी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारी चीजों को, सारे वेजिटेबल्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद में हम इसके अंदर हमारे ब्रेड को हम थोड़ा सा अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमने ब्रेड ली, ब्रेड को हमने सेंटर से कट कर लिया। और कट करने के बाद में ये इस तरह की जगह बन गई। ये देखिए, ये आधा आधा हो गया। अब इसको हम सेंटर से कट करेंगे, इसे रख करके, क्योंकि हमें पॉकेट बनाना है। तो ये इस तरह का पॉकेट बन गया हमारा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से पूरे बढ़िया से एकदम कट करके अंदर से पॉकेट बन गया। अब इस पॉकेट के अंदर में हम लोग थोड़ी सी हमारी टमाटो सॉस लगाएंगे। ये देखिए, ये मैंने टोमेटो सॉस डाल दी अंदर में और इसको अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके अंदर में हम हमारी ये जो जितनी भी वेजिटेबल्स की स्टफिंग है, वो स्टफिंग को एकदम बढ़िया से भर देते हैं। हमारी पनीर को, चीज को, वेजिटेबल्स को एकदम बढ़िया से भर देते हैं। उसके बाद में हम इसके ऊपर लगाएंगे बटर। ये मैंने बटर लिया, बटर को हमने इसके ऊपर लगा दिया अच्छे से, आगे से भी और पीछे से भी। ये देखिए, ये दोनों साइड से मैंने इसको अच्छे से बटर लगा दिया। बटर में कोई कंजूसी नहीं की। अब बटर लगाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा हमारा जो तिल है उसे हम हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरह से हम हमारे दूसरे पॉकेट्स को भी रेडी कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों के ऊपर में तिल डाल के बिल्कुल रेडी है। और अब हम लोग इसे ग्रिल मोड के ऊपर बनाएंगे। तो मैंने ली है लो रैक। लो रैक के ऊपर मैंने रखा है ये सिलिकॉन का तवा। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करके मैंने इसे अंदर रख दिया। अब हमने किया ग्रिल, क्लॉक आ गई। क्लॉक आने के बाद सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम देंगे 10 मिनट का टाइमिंग। 10 मिनट में ये बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए, 10 मिनट का टाइमिंग आ गया एंड स्टार्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रेडी हो गया है। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, एकदम बढ़िया ब्राउन हो चुका है, एकदम करारा हो चुका है। हमारी जो तिल हमने डाली थी वो भी एकदम क्रंची हो चुकी है। अब इसे हम हमारी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, नीचे से और ऊपर से दोनों तरीके से ये एकदम पॉकेट्स ब्राउन हो चुका है, नीचे से भी और ऊपर से भी ब्राउन हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा चीज ऊपर से डाल देते हैं, इसको हल्का सा चीज डाल देते हैं। और इसे हम थोड़े से सॉस के साथ सर्व करेंगे।
ये हमारे पॉकेट पिज्जा इज रेडी इन सैमसंग स्मार्ट ओवन। इन सैमसंग स्मार्ट ओवन।